बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। दिस इज़ द न्यू टॉपिक एंड इज़ बेस्ड ऑन टू इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेटरी मोड्स नोन एज मुशारका एंड मुदारबा फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द कोर्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। सो वी विल डिस्कस द डिटेल्स अबाउट बोथ वेरियंट्स ऑफ द पार्टिसिपेटरी मोड्स। तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट, इफ़ आई टॉक इन वेरी यू नो सिंपल वर्ड, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि दो या दो से ज़्यादा लोग अगर मिलकर किसी कारोबार को शुरू करते हैं और इस्लामिक शरिया प्रिंसिपल्स उसके बारे में किस तरह की गाइडलाइंस देते हैं उनको अगर फॉलो किया जाए तो ये एक तरह की शराकत दारी है। देखिए, फॉर मोमेंट अगर मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ और मेरे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, द वन वे इज़ कि मैं अपने किसी अजीज़ से उधार ले लूँ, और अगर मेरे पास वो भी अवेलेबल नहीं है तो मैं बैंक के पास जाऊँगा और मैं वहाँ से कर्ज़ ले लूँगा। लेकिन यकीनन उस कर्ज़ के ऊपर मुझे सूद जैसी रकम अदा करनी पड़ेगी और वो इस्लामी शरिया लॉ के अगेंस्ट है। सो एज़ फॉर एज़ इस्लाम एंड मुस्लिम वैल्यूज़ आर कंसर्न, मुझे मालूम है कि मेरा कुरान मुझे सूद से मना करता है, तो फिर कुरान मुझे उसके साथ कोई पॉसिबल सोल्यूशन भी देता है और यकीनन अहादीस की रोशनी में हमें उसका कोई वैलिड वे आउट भी मिलता है और यकीनन हम सूद से बच सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मुशारका और मुदारबा, ये बेसिकली शराकत दारी है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट बट इन टर्म्स ऑफ लॉस एज़ वेल। तो अगर आप बैंक से पैसे ले के कारोबार कर रहे हैं तो बैंक तो आपको नहीं माफ़ करेगा, आपने बेशक प्रॉफिट अर्न किया, बेशक लॉस अर्न किया है, यू नीड टू पे देम मंथली इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड दिस इज़ नॉट एक्चुअली वैलिड इन इस्लाम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मुशारबा और मुदारबा हैं, दीज आर द पार्टिसिपेटरी मोड्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। सो दीज मोड्स फॉर्म द बेसिस ऑफ इस्लामिक फाइनेंस बिलोंग्स टू पार्टिसिपेटरी और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग और रिस्क शेयरिंग। टू कॉन्ट्रैक्ट्स नेमली मुदारबा एंड मुशारका इज अ सिस्टम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ शिरका, मीन्स शराकतदारी, एंड अ पार्टनरशिप मे बी बेस्ड ऑन टू एस्पेक्ट्स, वन इज़ नेम्ड एज शिरकतुल मिल्क एंड सेकेंड नेम एज शिरकतुल अक्द, एंड वी कैन सिंपली से दैट पार्टनरशिप इन द राइट ऑफ द ऑनरशिप और पार्टनरशिप इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल, राइट। सो पार्टनर्स एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंडक्ट अ जॉइंट बिजनेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑन अ प्री एग्रीड रेशो एंड बियर द लॉस इफ एनी। दो लोग या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कारोबार शुरू करेंगे, फंड्स का पूल जनरेट करेंगे, उससे कारोबार करेंगे, मुनाफा होगा तो जिन बुनियादों पर वो कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल हुए हैं उन्हीं बुनियादों पर, उन्हीं रेशो में के लिहाज से वो प्रॉफिट उनके दरमियान में शेयर हो जाएगा, और अगर लॉस होगा तो वो भी सारी पार्टीज़ मिलकर उस लॉस को शेयर करेंगे, किसी एक पर सारा बोझ नहीं डाला जाएगा। इन मुदारबा वन पार्टनर प्रोवाइड द कैपिटल एंड द अदर मैनेजेस द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो ये दूसरी सूरत है शराकत दारी की कि दो लोग मिलकर कारोबार कर रहे हैं लेकिन एक शख्स ने फंड्स प्रोवाइड किए हैं और वो एबिलिटी नहीं रखता, स्किल्स होल्ड नहीं करता, दूसरा शख्स है उसके पास फंड्स नहीं है लेकिन स्किल्स और एबिलिटी हैं। सो स्किल्स और एबिलिटी और फंड प्रोवाइडर मिलकर एक बिज़नेस शुरू करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं, यकीनन प्रॉफिट होगा तो दोनों में जो तयशुदा परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट शेयर हो जाएगा, और अगर नुकसान होता है तो दोनों नुकसान बर्दाश्त करेंगे। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि नुकसान तो सिर्फ उसी का ही होगा ना जिसका माल है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर लॉस होता है तो जो रब्बुल माल है यानी कि जिसने फंड्स प्रोवाइड किए हैं उसका सिर्फ और सिर्फ वही फंड पार्ट ऑफ द फंड वो लूज़ करेगा जो बिजनेस ने बेयर किया है, और ऑन द अदर साइड जिसने अपनी स्किल्स जो है यूटिलाइज़ करनी थी और डिप्लॉय की हुई थी उसके बदले जो उसकी रेमुनरेशन और वेजेस बनते थे वो उसको छोड़ने पड़ेंगे। सो लॉस भी दोनों पार्टीज शेयर करेंगी और प्रॉफिट भी दोनों पार्टीज शेयर करेंगी। सो हम लोग वन बाय वन मुदारबा और मुशारका के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे।
तो इस स्लाइड में सिर्फ मैंने आपको उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है। दीज मोड्स आर द मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग रिस्क बेस्ड कैपिटल एंड आर जॉइंटली टर्म्ड पार्टिसिपेटरी मोड ऑफ फाइनेंस। इन मुशारका ऑल पार्टीज कंट्रीब्यूट टू द जॉइंट बिजनेस एंड वर्क फॉर इट। मुशारके में दो या दो से ज़्यादा लोग सब मिलकर फंड प्रोवाइड करेंगे और सभी काम करेंगे। बट इन मुदारबा वन पार्टी कंट्रीब्यूट फंड्स एंड द अदर एक्ट एज एंटरप्रेन्योर एंड द प्रॉफिट इज शेयर्ड इन अ प्री डिटरमिंड म्यूचुअली एग्रीड रेशो। कारोबार स्टार्ट करने से पहले दोनों पार्टीज के दरमियान जिस तरह की परसेंटेज तय हो गई है उसी लिहाज से वो शेयर करेंगे। यकीनन यहाँ पर वो जो परसेंटेज तय हुई है वो इन बुनियादों पर है कि जिसने फ़ंड प्रोवाइड किया है उसको उसके ऊपर उसका रिटर्न मिलेगा और जिसने अपनी मेहनत की है उसको उसके ऊपर उसकी वेजेस और सैलरीज मिलेंगी। इन मुदारबा द फाइनेंशियर बियर्स द लॉस व्हाइल द एंटरप्रेन्योर लूजेस हिज ऑलरेडी एक्सपेंडेड लेबर, राइट। सो ये वही बात है। द मॉडर्न शिरका टेक्स द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ट्रस्ट एंड सिंडिकेट्स एटसेट्रा। तो इस कानून की बुनियाद पर बहुत सारी कंपनीज बनाई जा सकती हैं जिन्हें हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के नाम से भी जानते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जा सकती हैं, पार्टनरशिप्स डिज़ाइन की जा सकती हैं, ट्रस्टीज डेवलप किए जा सकते हैं या फिर सिंडिकेट्स बनाए जा सकते हैं। तो वन बाय वन इनको भी डिस्कस कर लेंगे, बट आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि पार्टनरशिप दो लोग मिलकर कारोबार कर रहे हैं या चार लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में 10-20 लोगों ने मिलकर फ़ंड प्रोवाइड किया है और उसका एक पूल बनाया और तमाम लोगों को उस कंपनी के रेलेवेंट शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। एट टाइम लोग अपने शेयर्स बेच कर जाना भी चाहे तो जा सकते हैं। एंड सिमिलरली ट्रस्टीज़ आपने मिलकर एक हॉस्पिटल बना लिया है सब लोगों ने और उससे आने वाली आमदन को आप आपस में तकसीम कर रहे हैं। और इसी तरह सिंडिकेट है जिसने पूल जनरेट किया हुआ है और वो उस पूल को उस फंड्स को फिर फर्दर इन्वेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द शरिया लॉज। सो इन मॉडर्न लॉज ऑल दीज फॉर्म्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली इन अकॉर्डेंस विद देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड द नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन। डू रिमेंबर स्टूडेंट्स वन थिंग, अगर हम लोग इन्हीं टर्म्स के नाम पर अगेन वायलेशन करेंगे तो यकीनन वो इस्लामी शरिया लॉ के अगेंस्ट होंगी। उसको फिर बेशक मेजॉरिटी तस्लीम करे या उसे माइनॉरिटी रिजेक्ट करे वो कोई माने नहीं रखता। अगर इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को आप अपनी ट्रू स्पिरिट और लेटर में इम्प्लीमेंट करेंगे तभी जाकर आपके ये जो बिज़नेस डील्स हैं और जो प्रॉफिट्स हैं वो हलाल तसव्वुर होंगे अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक। एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, द थर्ड पार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द इस्लामिक एंड द मॉडर्न पार्टनरशिप लॉज एग्जिस्ट इन द फॉर्मर्स रिलीजियस करेक्टर। सो अगर आप इनमें वो एस्पेक्ट्स निकाल दें जो इस्लामिक शरिया जो है वो हमें प्रोवाइड करती है तो अगेन नाम तो यही रहेंगे लेकिन उसमें फिर जो नॉन परमिजिबल थिंग्स हैं वो शामिल हो जाएंगी और हम उस आमदन को फिर हलाल तसव्वुर नहीं कर सकेंगे। टू डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ पार्टनरशिप वी शैल डिस्कस द सब्जेक्ट इन थ्री मेन सेट्स ऑफ मुशारका, मुदारबा एंड डिमिनिशिंग मुशारका। तो हमारे इस बेसिकली लेक्चर के ये तीन डायमेंशंस होंगी और हम अपने इस लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन इन तीनों पर डिटेल में बात करेंगे। जज़ाकअल्लाह, मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो है वो वेट करें, इंशाल्लाह ताला उसमें हम इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं।